कार्य पत्रक 27 व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित दक्षता मिलने वाली है। प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग कर पाना सीखेंगे। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं और किसी न किसी शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। जो पहले जुड़े रहते हैं वो तो उपसर्ग और बाद में जुड़े रहते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इतना कुछ पढ़ा हुआ है, अब आगे सुनो। तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ये, वाला, इक, गलत कर रखा है इसने। ये में बड़ी ई आएगी और इक में छोटी ये, ज्यादातर यही होते हैं, ठीक है ना। जैसे भारतीय है तो बड़ी ई होती है और इक ज्यादातर छोटा ही लगता है ना। एक एक दो शब्दों में लिख जाएगा लेकिन ज्यादातर इक ही लगता है, इक बहुत कम लगता है, ठीक है। तो जैसे दर्शनीय, तो इसमें अन्य प्रत्यय है, दर्शन और ये। अब इसने हिंदी के हिसाब से निकाल दिया लेकिन संस्कृत के हिसाब से अन्य प्रत्यय निकलता है इसमें, ठीक है ना। दर्शनीय, चलो ये मान लो। आगे देखो, से मिलकर बनाए ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के, मूल शब्द तो होना चाहिए ना कोई, उसके अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, है ना। परिवर्तन तो नहीं करते, नवीनता लाते हैं। यूं लिखो, बहुत कम परिवर्तन करते हैं, हाँ नवीनता ले आते हैं, नवीनता ले आते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं ना वो अर्थ परिवर्तन ही कर देते हैं, जैसे न्याय अन्याय उल्टा हो गया ना एकदम से। तो ज्यादातर की बात है यहाँ, ज्यादातर, ठीक है ना। इन शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ये या अन्य प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो एक दो इसने बनाकर दिखाए आपको, यहाँ प्रत्यय दे रखा है पन, तो उदाहरण दे दिया अपनापन, ये बन गया सर्वनाम से, है ना। अपना क्या है, सर्वनाम है ना, निजवाचक है, तो अपनापन बन गया। अब पन लगाओ आप और दो शब्द और बना दो, दिखावटीपन, दिखावटी, दिखावटीपन, दिखावटीपन, और लगाओ बचपन, क्या क्या बच्चा से बना है, ठीक है ना। बच्चा से क्या बन गया, बचपन। और ध्यान में आ रहा क्या कोई, हल्कापन, हल्कापन, भारीपन, जैसे कहते ना पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, ऐसे कंपन नहीं होता ऐसे। अब आहट देखो, घबराहट, हाँ चहचहाट, चहचहाट, ये प्रत्यय ना कई दिन हो गए देखे नहीं ना, तो सब जल्दी से दिमाग में नहीं आ रहे। ऐसे होते हैं जो दिमाग में आते हैं ना तो कई एक साथ आ जाते, नहीं आते तो कई देर तक आते ही नहीं। इनके तो लगातार कंटिन्यू में जुड़े रहो ना, फिर फटाक फटाक मन में आते रहते हैं। कड़वा हट, कैडवाहट, कड़वा हट, ऐसे उल्टे वो उल्टा शब्द मत बोला करो, क्योंकि वो दिमाग में आ जाता है, फिर वो शब्द दिमाग में आ जाता है। लिखते समय कोई नहीं मिल रहा होता फिर वो लिख देते हैं, गलत शब्द बोलने से दिमाग में आ जाता है। लिखो एक और, फड़फड़ाहट, पक्षियों की फड़फड़ाहट सुनकर बिल्ली डर गई, समझे क्या, फड़फड़ाहट, फेड़े फेड़ाहट, सुना क्या फड़फड़ाहट, ये याद करते हैं तो याद आ जाता है। अब है एक धार्मिक, हाँ सामाजिक, धार्मिक तो है ही, वैज्ञानिक, दैनिक, अपने बोलते हैं ना मेरे दैनिक कार्यक्रम है दैनिक, हाँ ठीक है। अब वान, पहलवान, रूपवान, रूपवान, बलवान, रूपवान, बलवान, गुणवान, गुणवान, ठीक है, रूपवान,
गुणवान, बलवान, ठीक है ना। अब आओ वाला, फल वाला, मिठाई वाला, ठीक है, चश्मे वाला, दुकान वाला, आइसक्रीम वाला, आगे है कार, तो कलाकार, कहानीकार, लेखककार नहीं होता, लेखक खुद ही लेखक लिखने वाला होता है, इसका मूल, गीतकार, गीतकार, काश्तकार, काश्तकार समझ गए क्या? अब आई मिठाई, पढ़ाई, लिखाई, खटाई, खटाई, ठीक है ना, दार, दुकानदार, किराएदार, ठेकेदार, हाँ जमींदार, जमींदार। अब आओ दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए उपसर्गों से, ये तो प्रत्यय थे, अब की बार उपसर्ग, तीन तीन शब्द बनाने हैं, अभी पहले आना चाहिए, अब की बार एक तो लिखो अभिमान, अभिमान, अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिनंदन, अभिनंदन, अभियोग, अभियोग, ठीक है। अब आओ अन्न, तो एक तो लिखो अन्न जान, एक लिखो अन्न पढ़, एक अन्न देखा, ठीक है, अन्न चाहा। अब बद, बदनाम, बदनसीब, बदमाश, ठीक है। अब आओ प्रश्न तीन, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनाने हैं, तो ये शब्द हैं इनमें उपसर्ग जोड़ने हैं, क्या जोड़ना है उपसर्ग, तो ज्ञान क्या के एक तो ए लगा दो, अज्ञान, वी भी लगा दो, विज्ञान, दो बन गए ना, अज्ञान विज्ञान बन गए। कर्म क्या के लगाओ, एक तो लिखो सकर्म, हाँ ठीक है, अच्छा सकर्मक क्रिया लिखते हैं ना जैसे सकर्मक, अच्छा अब और लिखो, कर्म से पहले लगाओ ए कर्म, सुकर्म, अच्छा कर्म, सुकर्म, ठीक है। अब जोर क्या के लगाओ, कमजोर, कमजोर। अब इधर देखो सफर के आगे लिखो हम सफर, हम सफर जोड़ दिया ना, जय के आगे लिख दो विजय, ठीक है, हाल के आगे लिखो बेहाल, बन गया ना, बेहाल का अर्थ होता है बुरा हाल है, अगर शब्द नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा बुरा हाल, बुरा तो शब्द है, उपसर्ग शब्द थोड़ी होता है, शब्दांश होता है, बेहाल हो गया, बेहाल का अर्थ ही होता है बुरा हाल है। अब आगे पेज पलटो, कार्य पत्रक 28 देखो, करवाऊं या कल करवाऊं, दक्षता क्या मिलेगी, व्यवहारिक व्याकरण मजबूत होगा, कारकों संबंधी ज्ञान होगा, कारकों का, ठीक है ना, कारक चिन्ह जो होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन ही हरे हो, सुना हुआ है, याद है, तो फिर इनमें से प्रयोग करके देखो आप, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारकों के सम्मुख, सम्मुख होता है सामने, इसके नीचे लिख दो सामने, सम्मुख क्या होता है, सामने, सामने, उपयुक्त, अगर मैं यह के ऊपर रह लगा दूं तो हो जाएगा उपयुक्त, वो होता है ऊपर लिखा हुआ, और ये उपयुक्त होता है ठीक, ऊपर लिख दो, नीली पट्टी है ना, वहां दो सब लिखो, एक तो लिख दो उपयुक्त, उपयुक्त, इसके तो बराबर का निशान लगा, लिख दो ऊपर लिखा हुआ,
ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो उपयुक्त, वह उपयुक्त समय पर पहुंच गया या उपयुक्त समय पर पहुंच जाएगा। तो उपयुक्त होता है उचित, क्या उचित या ठीक, ठीक है ना। अब यहां देखो आप, मतलब उनके उपयुक्त कारक, मतलब बिल्कुल उनके सटीक जो सही बैठता है ना, उचित वो लगाना है, ठीक है। अब देखो ने के लिए में, पर, को, से, एक से है ना दो बार आता है, ये अलग होने के लिए आता है, ठीक है ना। एक साधन के लिए आता है, मैं फावड़े से गड्ढा खोता हूँ, वो साधन के लिए। ये अलग होने के लिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, करवाए हैं क्या कारक है। तो अब देखो इनमें भरो, कर्ण, कर्ण का क्या आता है, से आता है, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिख दो साधन के अर्थ में, साधन, साधन के अर्थ में, ठीक है ना। और वो से आता है अलग होने के अर्थ में, ठीक है। फिर कर्म का क्या है, निशान को, और संप्रदान का क्या होता है, के लिए, याद है क्या, रट्टा लगाया गया एक दिन। अपदान क्या होता है, से, अलग होने के लिए, पृथक, पृथक होने के लिए, ठीक है ना। आपकी याद नहीं लगता, सुनाओ मुझे। बोल जल्दी, बोल जल्दी, बोल शुरू, शुरुआत से बोल, शुरुआत से। संबंध का के की अधिकरण में पर, भूल गए ऐसे, भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत, भूलना नहीं है। बोलो मेरे पीछे से, कर्ता ने कर्म को, धीरे बोलो थोड़ा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन ही अरे हो, समझ गए। चलो अब देखो आगे, दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांट करके लिखने हैं। तो करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक, इनमें से तो बताना आपको। दिव्या मोना से लंबी है, अपादान कारक, वेरी गुड। ये इस तरह का होता है ना, उनमें अलग होने की भाव होता है, तो वो अपादान ही आएगा। एक और बता दूं, डर होता है ना, डर, वहां भी अपादान आता है। जैसे रमेश कुत्ते से डर गया, तो वो साधन नहीं है, करण नहीं है, अपादान आएगा। कुत्ते से डर गया तो डर आता है, वहां अपादान आता है, बताया था क्या कभी, याद रखा करो। गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, कर्म कारक, कर्म नहीं, कर्म, कर्म कारक, ठीक है। फिर लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, लिखने का साधन क्या था, करण कारक, करण कारक, ठीक है। फिर नानी के पर्स में 20 रुपए हैं, अधिकरण में पर कहाँ था है, अधिकरण में, अधिकरण कारक है, ठीक है। ये विभक्तियां देकर, में, से, को, विभक्तियां देकर नाम याद रखा करो, ठीक है। कल दोबारा से सुनूंगा, एक एक बच्चे से अलग अलग, और बीच में से कोई भी अटका तो कान के नीचे फटका, समझ गए। तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम और कारक चिन्ह बताना है। तो सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। अब इसमें आपको कारक छांटना है और चिन्ह लगाना है। तो पहले तो लिखो सुना, संबोधन कारक, क्या है, संबोधन, ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या है, हे, ये विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिए ना, संबोधन चिन्ह होता है ये, ठीक है। अच्छा, फिर है दशरथ के पुत्र, तो दशरथ क्या आएगा, संबंध कारक है, संबंध कारक है। इसका क्या है निशान, का के की, का के की, ठीक है। और देखो इसमें पुत्र राम ने, तो राम क्या है, कर्ता, कर्ता है, कर्ता, इसका निशान क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। फिर अयोध्या से जाकर है ना, अयोध्या से गया तो अलग हो गया ना, तो से आ गया अपादान, अपादान, इसके आगे लिख दो से। फिर आगे देखो
सीता के लिए, तो के लिए क्या आता है संप्रदान, तो यहाँ नीचे लिख दो संप्रदान और ब्रैकेट में लिख दो के लिए। आपको क्या लिखना है, कारक लिखना है और उनके चिन्ह लिखने हैं, ठीक है। और फिर रावण को मारा, को कर्म, तो यहाँ अगले में लिख लो कर्म, आगे लिखो को, विभक्ति चिन्ह को लिख दो, ये आए इसमें, ठीक है ना। अब चौथा देखो, संप्रदान कारक व संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाने, एक संप्रदान का एक संबंध का। तो संप्रदान का तो बना दो, माँ बेटे के लिए दूध लाई, माँ बेटे के लिए दूध लाई। अब मुझे बात बताओ, कोई किसी के लिए कार्य करता है तो कौन सा कार्य करता है, संप्रदान। फिर संबंध में संबंध दिखाया जाता है, जैसे राम की गाय दूध देती है, दूध देती है, तो ये राम की गाय, ठीक है। अब आओ कार्य पत्रक 29, कल करेंगे क्या।